Assalamualaikum and good evening viewers. और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज खत्म होने के बाद पाकिस्तान की नेक्स्ट असाइनमेंट टी20 सीरीज जो कि अबाउट टू स्टार्ट फर्स्ट टी20 इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और 10:30 इट वाज स्केड्यूल्ड। तो मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं आज तैमूर अली जो कि काफी टाइम से अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे एंड अलॉन्ग विद देम फारिस कासमी फ्रॉम कराची। अस्सलामुअलैकुम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम कासिम, क्या हाल चाल है तैमूर? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ? शुक्र अल्लाह का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज टी20 पहला खेला जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के एंड द गुड थिंग इज के इंग्लैंड की टीम जो आइसोलेशन में थी ओडीआई में वापस आ गई है। तो अब टीम बी टीम सी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, बोथ टीम्स आर प्लेइंग विद देयर फुल स्ट्रेंथ और टीम ए है। तो देखने को है बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। और फारिस के शो में मैंने बात की थी कि ओडीआई में थोड़ा इंग्लैंड हम पे भारी है जब इंग्लैंड की ए टीम थी, लेकिन इवेंचुअली बी टीम भी हम पे भारी पड़ी। और देखते हैं कि इस टी20 में पाकिस्तान कितना कमबैक करता है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान विल इसमें मोमेंटम पकड़ेगा और इंशाल्लाह सीरीज अपने नाम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इतना मैं ओडीआई पे नहीं आऊंगा, इस पर ही बात करते हैं स्टार्टिंग में तैमूर के पाकिस्तान टीम में इमाद वसीम की वापसी हुई है, मोहम्मद हफीज का एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मिडल ऑर्डर में देखो तो आजम खान है, स्ट्रेंथ तो थोड़ी सी नजर आ रही है एज कम्पेयर टू ओडीआई, वो भी कोई इतनी हल्की टीम हमारी नहीं थी। और माइट बी अ चांस कि आज हम फखर और शजील को ओपनिंग करते हुए देखेंगे, माइट बी रिजवान थोड़ा सा स्ट्रेन इंजरी में होंगे, खेलेंगे जरूर शायद, लेकिन न्यूज एक मैं पढ़ रहा था कि माइट भी शायद शजील और फखर का कॉम्बो हम देखें। तो तैमूर किस तरह रिलेट करते हैं ओडीआई को टी20 में आप और पाकिस्तान का परला किस तरह देख रहे हैं कि यार ये सीरीज हम अपने नाम कर पाएंगे? कासिम बिल्कुल, अगर हम टी20s की बात करें तो आप देख सकते हैं कि PSL अभी अभी खत्म हुआ है, हमारी टीम का इतना ODI का टेम्परामेंट नहीं बना हुआ था, हमें देखने को मिल रहा था कि वो जो हमें स्टे चाहिए होता है 50 ओवर्स की गेम में वो हमारे पास लैकिंग था। तो अगर टी20 की बात करें तो अभी टीम का अच्छा खासा रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ है, PSL का बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट हमने अभी खत्म किया है। दूसरा, हमारे पास टीम में कुछ एडिशंस हैं, अच्छे हिटर आए हैं आजम खान जैसे, और एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारे पास मोहम्मद हफीज की फॉर्म में है। तो अगर कंपैरिजन करें ODI और टी20 की तो मेरे ख्याल में टी20 की पाकिस्तानी टीम के साथ हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और एक बहुत अच्छा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी अगर देखा जाए तो टीम वही, मैं आपकी पिछली वीडियो से एक बात रिलेट करूंगा कि ए बी और सी, मैं भी इस चीज को नहीं मानता कि जो भी जब एक मैच खेलने को आ रहा है तो हर टीम जो भी है वो एक मुकाबले की टीम होती है, उसमें सारे प्लेयर्स ऐसे सेलेक्ट हुए हुए हैं कि वो सारे अच्छा खेलना जानते हैं और इसीलिए वो टीम में आए हैं। तो ए बी एंड सी डजंट मैटर, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और टी20 में डेफिनेटली हमारे पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है और हमारी फॉर्म भी उसमें ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल ठीक हो गया। फारिस आपकी तरफ आऊंगा, लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा था, ये मेरा परसेप्शन और अपना पर्सनल व्यू है कि जब इंग्लैंड का स्क्वाड ओडीआई का अनाउंस हुआ तो कहा गया कि टीम बी है, तो साइकोलॉजिकल तौर पे व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान भी प्रेशर आया हुआ, अगर पाकिस्तान हारता है जो हारा भी तो आप देखें दुनिया बातें करी कि बी टीम से हारा, और अगर पाकिस्तान इन कंट्रास्ट जीत भी जाता तो शायद ये न्यूज होती कि पाकिस्तान बी टीम से जीता, जिसका पाकिस्तान ने समहाउ मेरे ख्याल से प्रेशर लिया। इसी चीज को लेकर चलते हैं इंग्लैंड की टीम, जो इंग्लैंड की अब ए टीम वापस आ गई है, they are professionals currently world champs हैं ODIs में, क्या समझते हैं इंग्लैंड की टीम पे थोड़ा सा प्रेशर होगा कि उनकी जूनियर्स ने, मिनोस तो नहीं कहना चाहिए जो उनकी प्लान बी टीम ही कह लें चले, उन्होंने सेकंड टीम ने उनको हराया पाकिस्तान को और वही प्ले पाकिस्तान की टीम अब विद एक्सपीरियंस ऑफ हफीज से मार मैदान में उतरेगी, तो क्या इंग्लैंड को थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है इन लाइट्स ऑफ मॉर्गन पे बटलर वगैरह और बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा या दे प्ले फ्रीली इस तरह खेलते हैं वो? नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी यही हुई कि वो लोग फ्रीली खेलेंगे और जिस तरह आपको पता है ऊपर से आके दे आर क्वाइट अग्रेसिव और बटलर रॉस जो अभी उनके टेलर जो भी उनके बैट्समैन है बैरिस्टो आपको पता है फ्रॉम द फ्रंट वो लीड करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई उन्हें इस चीज से फर्क पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता है उनकी जगह देखें पक्की है, वहाँ पाकिस्तान इंडिया या श्रीलंका या इवन बांग्लादेश वाली वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती है कि यार मैंने अगर एक दो मैचेस में परफॉर्म नहीं किया या तो मैं बाहर हो जाऊंगा, वहाँ ये है कि बिल्कुल मेरिट पे बात होती है, आप परफॉर्म करेंगे तो आप टीम में रहेंगे, आप मेरिट पे नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप बाहर होंगे। और दूसरा, डिसिप्लिन भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसकी एग्जांपल है आपके सामने एलेक्स हेल्स वाली, कि एलेक्स हेल्स को देख लें आपने उनको अभी तक लिया नहीं है जबकि दुनिया कह रही है कि ले लें ले लें, लेकिन उनके माथे पे कहते हैं ना जूं तक नहीं रहेंगे, तो वो लोग डिसिप्लिन पे
कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, डिसिप्लिन पे वो लोग पीटरसन को भी बाहर कर चुके हैं, डिसिप्लिन पे वो लोग ये भी एग्जांपल सेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन पे कोई प्रेशर नहीं होगा, वो लोग बहुत जम के कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तैमूर, वर्ल्ड कप इज नॉट फार अवे, अक्टूबर में हमारा वर्ल्ड कप है, दो महीने तकरीबन रह गए हैं, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन मिडल ऑर्डर स्टिल मैं कहूंगा कि अभी तक बन नहीं पा रहा, क्या समझते हैं इट्स द बेस्ट वे कि आप शर्जील और फखर को ट्राई करो? काफी एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, शोएब अख्तर का भी व्यू था, दो तीन लोगों ने और बोला कि एक बड़ा डेडली कॉम्बो है, या वी शुड स्टिक विद रिजवान एंड लाइक जिस तरह हमारा आ रहा है रिजवान और फखर भी करते हैं, कभी बाबर भी करते हैं, तो अब वो स्टेज आ गई है कि वी शुड फाइनलाइज बिफोर वर्ल्ड कप के हमारा क्या होना चाहिए ओपनिंग पेयर? बिल्कुल कासिम, अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो डेफिनेटली शर्जील और फखर का बहुत अच्छा कॉम्बो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मेरे से एनालिसिस पूछेंगे तो मेरे ख्याल में जो फखर और रिजवान हैं, रिजवान ने पूरे पीएसएल में ओपन किया है और बहुत अच्छी उनकी फॉर्म रही है, एक अच्छा पेस दे देते हैं वो स्टार्ट में ही, तो उनकी जगह एक पक्की वहां बनी हुई है, तो मेरे ख्याल में अगर आप वर्ल्ड कप के हिसाब से पूछें तो इनको फखर और रिजवान से ही ओपन करना चाहिए। इसकी एक और रीजन मैं ये भी दूंगा कि ये बॉलर्स के लिए बहुत ट्रिकी हो जाता है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, बॉलर्स को थोड़ा सा मुश्किल होती है बॉल की लाइनो लेंथ में, तो लेफ्ट और राइट का हमेशा एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो मेरे हिसाब से फखर और रिजवान को ओपन करना चाहिए, शर्जील की अगर जगह बनती है तो वो वन डाउन पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। फारिस आपकी तरफ आऊंगा, पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी ओडीआईज में ऑफ कलर नजर आई, इवन लास्ट मैच में हमने बड़ा फाइट बैक किया और बड़ा डिसेंट टोटल था 330 ऑट का, लेकिन वो भी हम चेस करवा गए, तो आप T20 में शाहीन अफरीदी थोड़े से नहीं बल्कि काफी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, लास्ट मैच भी काफी महंगे रहे और बड़ा उनको लाइक इस टाइम उनपे बात की जा रही है, उनपे हिट पे आए हुए काफी ज्यादा, हर एक्सट्रिक्टर जो फास्ट बॉलर है स्पेशली शोएब अख्तर उनपे काफी क्रिटिसाइज करें, तो पाकिस्तान का T20 में एक मतलब एक इंडिविजुअल ने चार ओवर करने हैं, आज किन बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा? आज देखें शाहीन शाह अफरीदी आपने बात करी है, उनके ऊपर प्रेशर तो बहुत है नो डाउट, लेकिन ये है कि अभी फॉर्मेट अलग है और इस पे अटैक अलग होगा, उस पे ओडीआई वाला माइंडसेट नहीं होगा, तो मुझे लगता है उनको जो है इस अगर उनको टीम में आज शामिल किया जाता है तो उन्हें परफॉर्मेंस पे अपनी कंसंट्रेट करनी चाहिए रादर देन न्यूज में रहे, वो जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि सरफराज के साथ उनकी भीड़चाल हो गई थी उससे पहले, वो इस मैच में भी लास्ट मैच में भी कोई ऐसी कोई भीड़चाल नहीं हुई, लेकिन वही जो उनका एक एक्शन है मखसूस उठ के आंखें दिखा रहे हैं ये कर रहे हैं, तो ये सब सारी हरकतें जो है ना ये साइड में थोड़ी करनी होंगी और परफॉर्मेंस पे कंटिन्यू करना होगा। बाकी आपका सवाल है कि बॉलर कौन होंगे, बॉलर जहाँ तक मुझे लगता है कि हारिस रऊफ होंगे, हारिस रऊफ के साथ जो है हसनैन को चांस मिल सकता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन अगर मैं कैप्टन हूँ मुझसे पूछें तो मैं डेफिनेटली हारिस रऊफ को ड्रॉप करूंगा और हसनैन को इंक्लूड करूंगा और फिर शाहीन शाह होंगे, और स्पिन डिपार्टमेंट में अगर आप जाएं तो स्पिन डिपार्टमेंट में ऑल दो शादाब की जगह पक्की है, लेकिन मैं उनकी जगह खिलाना चाहूंगा उस्मान कादिर को, एक बैट्समैन अगर हमारा कम हो जाएगा तो उसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं खिलाना चाहूंगा उस्मान कादिर को, उसकी एक वजह यह है कि उनकी बॉल जो है ना इस वक्त शादाब की बॉल से ज्यादा टर्न भी ले रही ऐसी पिचों पर जहाँ स्पिन नहीं भी थी। हाँ ऑल दो शादाब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी लास्ट मैच में, विकटे ली उन्होंने, लेकिन ये है कि ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस चल रही उनकी और फुली फिट नजर नहीं आ रहे हैं, वो फील्ड में भी हमने देखा बीच बीच में वो छोड़ के गए, कभी आ रहे हैं कभी नहीं गए, तो मैं तो जाना चाहूंगा उस्मान कादिर के साथ, हसनैन के साथ और दूसरा जो आपने नाम लिया शाहीन शाह अफरीदी, मैं इन तीनों के साथ जाना चाहूंगा। ठीक हो गया फारिस। तैमूर, इसी फारिस को क्वेश्चन को जो मैंने पुट किया इसी को लेकर आगे चलते हैं, T20 में देखा जाए तो माशाल्लाह हमारी भी एक और सेकंड टीम तैयार हो सकती है क्योंकि इमाद वसीम भी अब आ गए हैं, स्पिन डिपार्टमेंट आप देखें इमाद वसीम है हमारे पास, शादाब खान है हमारे पास, उस्मान कादिर है हमारे पास, इसके अलावा पार्ट टाइम बॉलर और भी कर लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा अभी कैप्टन बाबर के लिए कि प्लेइंग 11 सजेस्ट करना, तो स्पिन डिपार्टमेंट में आप भी फारिस की तरह सेकंड करेंगे कि शादाब को रेस्ट देके हमें उस्मान कादिर पे जाना चाहिए, शादाब कैन बी अ वेरी यूजफुल एज व्हेन इट कम्स टू बैटिंग? कासिम मैं इस पे सेकंड नहीं करूंगा क्योंकि जो शादाब की परफॉर्मेंस चल रही है अभी उसको अगर हम अगर देखें तो वो थोड़ा सा टीम के लिए अच्छा साबित हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कैप्टन जो है वो शादाब को टीम में इंक्लूड ही करेगा और वो थोड़ी बहुत बैटिंग का भी फैक्टर आ जाता है, T20 फॉर्मेट है, अच्छी हिट्स कर लेते हैं वो, शादाब विल बी अ पार्ट ऑफ अ टीम। अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो इंस्टेड ऑफ उस्मान कादिर मैं इमाद वसीम को ज्यादा इस पे तरजीह दूंगा क्योंकि उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और बैटिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और बॉलिंग भी उनकी ठीक ठाक एक आध विकेट निकाल लेते हैं, तो
ये दो स्पिनर्स हैं। उस्मान कादर को अभी क्योंकि इसलिए भी चांस मिलना मुश्किल है, उन्होंने पीएसएल में भी इतना ज्यादा नहीं खेला, इमरान ताहिर उनकी जगह आते थे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनका कम है और हमारे पे थोड़ा सा प्रेशर भी है, इंग्लैंड के ओडीआईज हम हारे में, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सीनियर प्लेयर्स के साथ जाएंगे। और बिल्कुल मैं तैमूर आपकी बात को सेकंड करूंगा, शदाब बींग वाइस कैप्टन भी मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन वाला एलिमेंट इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से तरजीह देंगे बाबर आजम शदाब खान को। और एक बॉलर हम भूल गए हैं, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भी है हमारे पास, सरफराज के काफी फेवरेट हैं, क्वेटा में भी खेलते हैं, माइट भी अ चांस कि मोहम्मद नवाज को भी इनेक्शन हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इतने स्पिनर्स हमारे पास हो चुके हैं कि प्लेइंग 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। देखते हैं एक घंटे में स्टार्ट हो जाएगा मैच तो क्या रखते हैं। चले थोड़ा सा आते हैं अब प्लेयर टू वॉच की तरफ कि दोनों टीमों से आपको क्या लगता है, शॉर्टर फॉर्मेट है, 20 ओवर की गेम है, हर कोई पसंद करता है, बैट्समैन डोमिनेंट होगा या आज बॉलर्स छा सकते हैं, थोड़ा फास्ट विकेट जरूर देखने को मिलेगी और एक्सपेक्ट है कि अगर इंग्लैंड बैटिंग करता है तो शायद हाई स्कोरिंग मैच हो, पाकिस्तान को भी आप ले ऑफ नहीं कर सकते, एनी पर्टिकुलर डे दे कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग और ये भी हो सकता है कि बड़ा डेंजरस साइन। आप क्या कह सकते हैं कि प्लेयर टू वॉच में एक बैट्समैन एक बॉलर पाकिस्तान साइड से और एक इंग्लैंड के साइड से, स्टार्टिंग फ्रॉम तैमूर। कासिम प्लेयर टू वॉच में टी ट्वेंटी फॉर्मेट है और अच्छी गेम होगी, बैट्समैन हम दोनों टीम्स इंग्लैंड को ले लें और पाकिस्तान को ले रहे हैं तो दोनों के पास ऐसे बैट्समैन हैं कि अच्छे हिट्स मार सकते हैं। पाकिस्तान साइड पे मैं ओपनर्स की तरफ ही जाऊंगा कि अगर तो शर्जील खेलते हैं आज तो शर्जील और फखर में से किसी एक की इनिंग्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छी शॉट्स उनको लगानी चाहिए और थोड़ा सा स्टे करके खेलना चाहिए। और टुवर्ड्स बॉलिंग साइड अगर हम आए तो डेफिनेटली मैं जाता हसन अली के साथ, लेकिन वो इंजर्ड हैं तो बॉलिंग में जो भी शाहीन की, क्योंकि ओडीआई में उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही, थोड़ा सा प्रेशर होगा उन पर, बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे वो टी ट्वेंटीज में अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए। बॉलिंग साइड पर मैं शाहीन के साथ जाऊंगा और इंग्लैंड का इसी तरह जो कैप्टन है इंग्लैंड के, अच्छी इनिंग्स उनसे देखने को मिलेगी। और बॉलिंग साइड पर मेरे ख्याल में इंग्लैंड की जो फास्ट बॉलिंग है उनके, अगर आपने नोट किया हो तो उनकी मैक्सिमम फास्ट बॉलिंग की जो लाइन ऑफ लेंथ है वो एक सेम लाइन ऑफ लेंथ से बॉल करते हैं, तो उसमें किसी एक बंदे को करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली साकिब महमूद का एक अच्छा नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो एक इंग्लैंड साइड से देखने को मिलेगी। फारिस सेम क्वेश्चन आप पे रखूंगा, प्लेयर टू वॉच लाइक एक कोई बैट्समैन या आपको लग रहा है कि जो कि गेम को टर्न कर सकता है, वैसे तो स्टार प्लेयर दोनों टीमों में मौजूद हैं, कौन होगा आपकी साइड से? मैं बिल्कुल पहले तो मैं इंग्लैंड का बोलना चाहूंगा, इंग्लैंड की साइड से मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके जो खतरनाक बैट्समैन है, एक तो अगर जॉनी बेस्टो अगर खेलने मेरे ख्याल से वो हो सकते हैं, और जॉनी बेस्टो के अलावा टेलर, ये दोनों प्लेयर मुझे लग रहा है जो वॉच आउट देखना पड़ेगा पाकिस्तान को, टू वॉच आउट फॉर। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमाद वसीम वाली उन्होंने बात करी, इमाद वसीम आ सकते हैं, टेलर का नाम लिया, टेलर इंग्लैंड के, मैंने इंग्लैंड में टेलर, इनके स्क्वाड का पार्ट है कोई, ये नई इंडक्शन है? नहीं, इंडक्शन नहीं, पुराना ही प्लेयर है इनका। अच्छा, मैं उसको मिस कर गया था, रॉस टेलर से शायद, टेलर दो दिन, नहीं रॉस टेलर न्यूजीलैंड के बात नहीं कर रहा मैं, इनकी उसमें जो प्लेयर है पूरा नाम इस समय ज़हन में नहीं आ रहा मुझे, टेलर याद रहेगी बाहर, बहरहाल हाँ बहरहाल, तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों प्लेयर होंगे तो वॉच आउट फॉर। बाकी आपने जो बात करी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से जॉस बटलर की बात कर रहा था, आई एम वेरी सॉरी, जॉस बटलर की बात कर रहा था, हाँ नॉट टेलर, तो जॉस बटलर की बात कर रहा था मैं, तो बैरिस्टो तो मुझे स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, जॉस बटलर डेफिनेटली प्लेयर होंगे टू वॉच आउट फॉर। और बाकी जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में मुझे लग रहा है अगर शर्जील खान को चांस मिलता है, शर्जील खान या फखर जमान अगर दोनों एक साथ ये खेलेंगे, मैंने अपने चैनल पे ये बल्कि खबर ब्रेक भी की थी, मेरे पास एक थोड़े खुफिया दायरे से खबर आई थी कि वी माइट सी बोथ ऑफ देम प्लेइंग एट द सेम टाइम इन ओपनिंग स्लॉट, तो अगर ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, लेकिन अगर ये चीज नहीं होती है, दोनों में से कोई एक खेलता है तो पाकिस्तान में, तो फिर एक तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो शर्जील खान होंगे डेफिनेटली, आई एम बीइंग अ कराची फैन, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो परफॉर्म करें। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि आज या तो हिट आउट या गेट आउट वाला, हिट आउट और गेट आउट वाला गेम जो है ना वो खेलना पड़ेगा फखर जमान को, या तो आउट हो या तो मारे या तो नहीं मारे, क्योंकि लास्ट इनिंग में जो उन्होंने स्ट्रगल करते हुए नजर आए, 10 रन किए 40 बॉलों पे, उसके बाद फिर दोबारा जल्दी आउट हो गए, तो उनके साथ यही है कि उनका जो नेचुरल गेम है ना वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाकी तो हमारे कप्तान साहब है बाबर आजम, तो वो भी इस पिच पे डेंजरस नजर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया,
फाइनल कपल ऑफ क्वेश्चन, तैमूर, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है कितना टोटल सेफ होगा कीपिंग इंग्लैंड बैटिंग और पाकिस्तान की फिर बॉलिंग के वो डिफेंड कर पाए इन केस में पाकिस्तान बैट फर्स्ट? कासिम, जिस तरह की हमने गेम देखी है और T20 का जो पेस हमें हर जगह देखने को मिला है और इन विकेट्स पे जहां पे अगर आप थोड़ी सी लूज बॉल करें तो आपको बाउंड्री के अलावा कुछ और नजर नहीं आता, तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 170-175 प्लस उनको स्कोर करना चाहिए जो कि अच्छा मैच बना देगा। बिल्कुल ठीक है, और रिसेंटली मैंने भी चेक किया क्रिक इन्फो पे, लास्ट 5 जो उनके एनकाउंटर्स हैं वो 2-2 हैं, एक मैच टाई हुआ है और बाकी दो पाकिस्तान, इनफैक्ट लास्ट पाकिस्तान ने जीता है कोई 5 रन से, 2020 में मैच हुआ था ये। चले आते हैं प्रेडिक्शन टाइम पे, कंक्लूड करते हैं। फारिस, आपसे पहले प्रेडिक्शन लूंगा, कीपिंग पाकिस्तान ओडीआई परफॉर्मेंस इन माइंड, आई होप कि वो उसको भुला के आएंगे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कौन फेवरेट है? देखिए हॉट फेवरेट इस वक्त जो प्रेशर है ना वो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा इंग्लैंड पे बनिस्बत के पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड अच्छा खेलते हुए आ रही है, तो इंग्लैंड के ऊपर ये होगा कि यार इंग्लैंड तो जो है ना ये मैच आसानी से जीतेगा, ज्यादातर लोग यही प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान में काफी सारे प्लेयर चेंज हुए हैं, आजम खान आए हैं स्क्वाड में, इसके अलावा शोएब मकसूद की इंडक्शन हुई है आई थिंक, और इसके अलावा जो इमाद वसीम है, मोहम्मद हफीज है, तो काफी एक्सपीरियंस और यूथ ब्लेंड ऑफ यूथ नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 50-50 चांसेस हैं बोथ साइड से, किसी एक को हम इस वक्त हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि उनके भी मेन प्लेयर वापस आ गए हैं और पाकिस्तान जो है वो इसी टीम को इनके मेन प्लेयर्स के साथ भी वर्ल्ड कप स्टेज से भी हरा चुका है 50 ओवर्स में और T20 में, तो ऐसा हमने बताया लास्ट मैच को हुआ था मुझे याद है 2020 में, जिसमें हारिस रऊफ ने बॉलिंग कराई थी तालिबन और आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे तो वो छक्का चौका हो गया था, 4 हो गया था, 2 रन से ये मैच जो है वो जीत गया था पाकिस्तान, तो मुझे याद है, तो वो मैच भी काफी क्लोज गया था, तो मुझे लग रहा है कि 50-50 चांस होगा। बिल्कुल, तैमूर आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी पाकिस्तान और इंग्लैंड? बिल्कुल, मैं भी इसको फारिस को सेकंड करूंगा, ऑल्दो प्रेशर दोनों साइड्स पे बहुत ज्यादा होगा, इंग्लैंड पे ये प्रेशर भी होगा कि वो बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, दूसरा उन पे ये प्रेशर भी है कि उनकी बी टीम ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, और पाकिस्तान डेफिनेटली प्रेशर होगा कि ओडीआईज में एक अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल से जो ये वाला फैक्टर है ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल इस तरह होगा कि वो नए जोश से जाएंगे अच्छे परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए वो इसमें पूरी जान मारेंगे मैच में, तो एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई विल गो विद पाकिस्तान एंड 52-48 टुवर्ड्स पाकिस्तान। चलो इंशाल्लाह तैमूर की इस बात के साथ और होपफुली कि पाकिस्तान इंशाल्लाह स्ट्रांग कमबैक करेगा और ये सीरीज अपने नाम लेगा, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान भी व्हाइट वॉश करे इनको, वी आर लाइक प्रोफेशनल्स और हम भी जिस जगह जाते हैं अपना नाम हमने हर जगह रोशन किया है, तो मैच देखते हैं इंशाल्लाह 10 बजे, उम्मीद है कि बड़ा अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान ये मैच जीते और सीरीज में वापस करे, अपने नाम करे, और इसके बाद मैं फारिस के शो में आ रहा हूँ, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग, थैंक यू तैमूर आने का, थैंक यू फारिस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।